नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग सब्जेक्ट कोड EE304 का टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टर्स। और इसी के साथ अपन इसकी वर्किंग भी देखेंगे कि कैसे काम करता है ये, बेसिक कंस्ट्रक्शन की वर्किंग देखेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात हो जाए, कहाँ कहाँ यूज़ आता है ये कॉन्ट्रैक्टर। जो मोस्टली जहाँ यूज़ आता है बेसिकली वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही है, इंडस्ट्रीज़ में उपयोग आता है। इंडस्ट्रीज़ में भी कहाँ उपयोग आता है, मेनली जहाँ पर हमें पावर कंट्रोल करना है। पावर कंट्रोल करने से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए बड़ी कोई इंडक्शन मोटर है या फिर कोई हैवी लाइटिंग लोड है, तो जहाँ भी हमें बल्क पावर कंट्रोल करनी है वहाँ पर अपना ये कॉन्टेक्टर यूज होता है, कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में, ठीक है। टाइप मैंने यहाँ बताना चाहा है कि भाई कितने टाइप से ये कंट्रोल हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर एक कॉन्टेक्टर कॉइल होती है, नीचे भी अपन डायग्राम में देखेंगे, तो उसको एसी से भी एक्टिवेट किया जा सकता है और उसे डीसी से भी एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी बेसिकली हमारे पास दो तरह के कॉन्टेक्टर हो गए, एसी टाइप कॉन्टेक्टर और डीसी टाइप, जिसमें कॉन्टेक्टर की कॉइल को या तो हम एसी से सप्लाई देते हैं या फिर हम उसे डीसी से भी सप्लाई दे सकते हैं। अलग अलग तरह के कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा ये वोल्टेज रेटिंग के आधार पर भी डिफरेंशिएट किए जाते हैं, या फिर कितनी करंट रेटिंग इनकी है ये उसके आधार पर भी डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि कितनी रेटिंग का करंट ये झेल सकते हैं, कितनी रेटिंग का करंट एक पास कर सकते हैं, कितनी रेटिंग का करंट कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के आधार पर इनके टाइप्स डिजायर होते हैं। बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं या जितने भी आप अपने EE304 में जो कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट्स देखेंगे वो मोस्टली थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए हैं, उन्हीं के कंट्रोलिंग हैं, सीक्वेंस कंट्रोलिंग है और इंटरलॉकिंग वगैरह जो भी आप देखेंगे वो 415 वोल्ट की कंट्रोलिंग ही अपन को देखनी है EE304 में। इससे ऊपर की कंट्रोलिंग अपन को नहीं देखनी। वैसे भी इससे ऊपर जब अपन जाते हैं तो कॉन्टेक्टर की जगह सर्किट ब्रेकर काम आता है, ठीक है। तो आ जाइए कंस्ट्रक्शन पे। बेसिक कंस्ट्रक्शन जो होता है किसी भी कॉन्टेक्टर का वो इस प्रकार का होता है, जिसमें कि क्या होगा कि यहाँ पर ये अपने ऊपर से इनकमिंग पावर के टर्मिनल्स हैं और ये नीचे आउटगोइंग है। मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, जनरली जो फील्ड में होता है नीचे से इनकमिंग दी जाती है, ऊपर से आउटगोइंग या आउटकम लिया जाता है किसी भी पैनल में या किसी भी ब्रेकर में, किसी भी एमसीबी में। ये स्टैंडर्ड रूल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए क्या किया है, आर वाई भी ऊपर से इनपुट मान लिया है और नीचे अपना आउटपुट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर आर फेज मिल जाए, यहाँ से यहाँ पर वाई फेज मिल जाए, यहाँ से यहाँ पर बी फेज मिल जाए, कब होगा, जब ये कॉन्टेक्टर की ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं, पावर कॉन्टेक्टर है ये जब इसको टच कर जाए, यानी ये इसको टच कर जाए, ये इसको टच कर जाए, ये इसको टच कर जाए। अगर यहाँ ये दोनों आपस में टच कर जाते हैं तो आर फेज नीचे मिल जाएगा, यहाँ ये दोनों आपस में टच कर जाते हैं तो वाई फेज नीचे मिल जाएगा, यहाँ ये दोनों टच कर जाते हैं तो बी फेज नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टच कब करेंगे, ये टच तब करेंगे जब ये पूरी असेंबली आप देखिए, ये कॉन्टेक्ट्स और ये प्लंजर पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। और ये इस डायरेक्शन में मूव कब करेगा, उसके लिए अपन ने यहाँ पर इसको एक अरेंजमेंट दे रखा है। ये तो हो गई अपनी कॉन्टेक्टर की कॉइल, कॉन्टेक्टर कॉइल बोलते हैं इसे, इसी की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, जो एसी और डीसी दोनों से चार्ज करी जा सकती है। सेम कॉइल ही दोनों से चार्जिंग करी जा सकती, जब एसी का होगा तो एसी की कॉइल का डिज़ाइन अलग होगा, डीसी की कॉइल, डीसी कॉन्टेक्टर का डिज़ाइन अलग होगा, बेसिक कंस्ट्रक्शन यही होगा, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि एसी से ही चार्ज होगी, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एसी सप्लाई दे दूँ एक करंट आई, तो ये कॉइल क्या होगी, कॉइल चार्ज होगी, कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स बनेगी, और फ्लक्स बनेगी तो एक तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, इस प्लंजर को, ये क्या होता है, मेटालिक प्लंजर, इस प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी अंदर की तरफ, यानी ये प्लंजर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ये प्लंजर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो ये पूरी असेंबली भी इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यानी जैसे ही आपने इस कॉइल को सप्लाई दी, ये प्लंजर मूव कर जाएगा और पावर कॉन्टेक्ट आपस में टच कर जाएंगे और पावर ऊपर से नीचे फ्लो हो जाएगी, तो अपना पावर फ्लो कराने का काम तो हो गया।
पर अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जब हम इसकी सप्लाई काटेंगे तो ये कॉन्ट्रेक्टर अपने आप ये असेंबली वापस पीछे नहीं जाएगी, जबकि जानी चाहिए थी क्योंकि मैं यहाँ से सप्लाई काटूँ, क्योंकि अगर मेरे को ऑन कंट्रोलिंग चाहिए तो ऑफ कंट्रोलिंग भी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से सप्लाई काटूँ तो ये वापस पीछे जाना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी कॉन्ट्रेक्टर की बॉडी होगी उस बॉडी से एक स्प्रिंग ऐसे बांध देते हैं, तो ये क्या हो गई कंट्रोलिंग स्प्रिंग बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसे बेसिक नाम इसका कंट्रोलिंग स्प्रिंग ही है। ये क्या करेगी, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल की सप्लाई अपन ने काट दी, तो ये स्प्रिंग इस प्लंजर को इस पूरी असेंबली के साथ वापस पीछे खींच लेगा इस डायरेक्शन में, तो ये दोबारा से कॉन्टैक्ट बनाने के लिए रेडी हो गया कॉन्ट्रेक्टर। मतलब स्प्रिंग ने इसको खींच के रखा, तो जैसे ही यहाँ पर अपन सप्लाई देंगे वापस से इसको खींचेगा, सारी असेंबली इस डायरेक्शन में मूव करेगी और पावर ऊपर से नीचे फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसी भी कॉन्ट्रेक्टर का और बेसिक वर्किंग है किसी भी कॉन्ट्रेक्टर की। जब आप फील्ड में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग शेप के कॉन्ट्रेक्टर मिलते हैं, पर बेसिक उनके अंदर सबके अंदर यही है। और अपन को जब अपन आगे अगले लेक्चर में कॉन्ट्रेक्टर कंट्रोल सर्किट्स का स्केमेटिक और वायरिंग डायग्राम बनाना देखेंगे, तो उसमें हम ये नहीं बनाएंगे, उसमें हम सीधे एक ब्लॉक बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कॉइल को, और जो पावर सर्किट होगा उसमें सीधे इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स बना के और यहाँ पर अपन एक ब्लॉक दिखाएंगे, ये वही ब्लॉक है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कॉन्ट्रेक्टर कंट्रोल सर्किट जब अपन देखेंगे स्केमेटिक डायग्राम वायरिंग डायग्राम तो वहाँ पर अपन देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।